सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात, किया 140 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार सभी वर्गों का रख रहा विशेष ख्याल। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। और गोरखपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में 5 नवंबर को फादर डॉक्टर मैथ्यू नेली कुन्नेल CST का धर्माक्षय अभिषेक व पदभार ग्रहण समारोह का होगा आयोजन। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन महाविद्यालय के भूगोल विभाग की तरफ से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण जल, भूमि, जीव जंतु, पेड़ पौधों का समन्वित स्वरूप है। यह भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, जीव जंतु का अस्तित्व संकट में रहे तो प्रौद्योगिकी का क्या महत्व रहेगा। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सरकार या संस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जैसे नगरों में कूड़ा प्रबंधन को नगरीय निकायों की जिम्मेदारी मान ली जाती है, जबकि यह नागरिक जिम्मेदारी ज्यादा है। साथ ही इससे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि इसमें प्रौद्योगिकी के योगदान को बेहतर कैसे बनाया जाए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम तंडन ने किया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर वीएन शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की सामरिक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओम प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्राचार्य हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्व विद्या अध्यात्मीकरण के नए दौर का आरंभ किया है, ऐसे पूज्य महाराज जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही। बूंद जल का उपयोग किया जा सके, बरसात में पानी बरसता है, पूरा पानी बह करके चला जाता है, हमें उसका पता नहीं होता है, लेकिन आगे के 6 महीने हम पानी के लिए तरसते हैं। हमने विकास का मॉडल कौन सा अपनाया? गांव के पहले तालाब गांव के जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक माध्यम बनता था। हम लोग उस जल का उपयोग करते थे अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए, और उसको बेहतर तरीके से उसके संरक्षण का दायित्व भी गांव के पास था। लेकिन विकास हुआ, हैंडपंप आ गए, पाइप पेयजल की स्कीम बन गई, हमने गांव की नाली को उस तालाब के साथ जोड़ करके उसको भी प्रदूषित कर दिया। और इस क्षेत्र में इस डेवलपमेंट का एक नया मॉडल क्या मिला? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के रूप में। इंसेफ्लाइटिस ने 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में हुई है जहां पे डेवलपमेंट के इस नेगेटिव मॉडल को हम लोगों ने स्वीकार किया। हमने उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा नहीं कि मॉडल देश के अंदर कोई ना करवा हो। पंजाब के अंदर एक संत ने एक मॉडल खड़ा किया, उनका मॉडल देसी मॉडल। दो मॉडल आपके सामने,
एक मॉडल है नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत उसके भी परिणाम आपके सामने आए हैं। गंगा 2016 में नमामि गंगे परियोजना लागू होने के पहले जितनी प्रदूषित थी, आज जब उस मॉडल को लागू किया गया, नए एसटीपी लगाए गए और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से जब वहां पे शहरी सीवर को ड्रेनेज को उसके माध्यम से ट्रीट करके गंगा जी में या सिंचाई के लिए उसका उपयोग होने लग गया, पहले की तुलना में गंगा शुद्ध हुई, जलीय जीव वहां पे फिर से दिखाई देने लग गए। गांगेय डॉल्फिन के लिए जानी जाने वाली डॉल्फिन फिर से वहां पे दिखाई देने लग गई। गोरखपुर के अपने दौरे पर प्रायः विकास कार्यों की बौछार करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर माह के दौरों की शुरुआत भी उपहार देकर किया। गोरखपुर जिले को लगभग 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 6 कार्यदायी संस्थाओं को 221.10 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 8 कार्यदायी संस्थाओं को 49.48 करोड़ रुपए की लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण एवं शिलान्यास का यह कार्यक्रम चंपा देवी पार्क में किया गया। कुल 50 परियोजनाओं पर 184.90 लाख रुपए खर्च कर 50 ग्राम पंचायतों में घर घर नल से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पेयजल की नई परियोजनाओं से पिपराइज, कैंपियरगंज, गोरखपुर ग्रामीण, चिल्लू पार, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इन विकास कार्यों से यहां की जनता को नया आयाम प्राप्त होगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही, असीम अरुण, विजयलक्ष्मी गौतम, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह सहित तो बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके पश्चात श्री संत राज्य मंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए श्री राधेश्याम जी इन सीटू योजना सुपर सीडर के लिए नेक्स्ट बैंक सखी लाभार्थी की समूह बुद्ध स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी श्रीमती कंचन लता जी, इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती सुभाती देवी जी, श्रीमती कालिंदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे जिला उद्योग से श्री विश्वजीत कुमार जी को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में श्री उमेश कुमार पासवान जी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी, श्री शैलेंद्र गौतम जी कृषि विभाग योजना के लाभार्थी को हम आमंत्रित करेंगे। श्री राजेश प्रसाद भारती जी सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर की प्रमाण पत्र को प्राप्त कर नई सौगातों के साथ इस जनपद को आच्छादित करें। करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ धन्यवाद। 271 करोड़ की लागत से 140 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हो। और इसी कड़ी में महोदय की इस सहृदयता और आदर भाव के लिए जो हम सभी के लिए सूचक है कि हम अपने आदरणीयों का सम्मान किस प्रकार करें। आज जो मैं बोलने के लिए आया हूँ वह ये कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और उनमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख गरीबों को इस योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो जहां मकान है वहीं पर जमीन का पट्टा उसके नाम पर होगा और इस योजना में 75 लाख गरीब इस योजना से प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं और दिसंबर 2023 तक 1.25 करोड़ गरीबों को इस योजना के साथ जोड़ने के एक बड़े लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों,
आज जब हम लोग गोरखपुर के इस महासम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर गोरखपुर को 271 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। ये योजनाएं गोरखपुर जनपद के लिए आज है, हर जनपद के लिए इसी प्रकार से बनाई गई है। इसमें सड़क भी है, स्कूली शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, पेयजल का भी है, ड्रेनेज का भी है, ग्राम सचिवालय का भी है, तकनीकी शिक्षा का भी है और सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज आपने देखा होगा हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी की चपेट में था। इससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे प्रभावित होते थे। आज भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ये द्वारा ही संभव हो पाया है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज वो इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करके उन बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का भव्य आयोजन चंपा देवी पार्क में किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार अनुसूचित वर्ग को ध्यान में रखकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय, राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामचंद्र कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे देश के अंतिम व्यक्ति को भी उसके पास आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसमें बिजली को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो समझते भी हैं और इसको सपोर्ट करने का भी काम आप करेंगे। आज दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण है। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, उसके प्रति इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कृतित्व को, व्यक्तित्व को देश और दुनिया के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इसके या इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक महातीर्थ के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में भी स्थापित किया। भाइयों बहनों, पहले सरकारें 2014 के पहले जाति मत मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है, योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए।
उत्तर प्रदेश के अंदर 3.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त न्यायिक राम भरत तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के तहत शासन द्वारा मिशन वात्सल्य के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। साथ ही शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी मौजूद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसमें सौंपी जा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में 1282 और 1320 थोड़ा सा डाटा बढ़ा है, और मंडल में सीआरपी में शायद 100 नहीं हो पा रहा है। उसमें शून्य शून्य गोरखपुर दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 41 थे, बढ़कर 18 हुए हैं। देवजा में भी शून्य है, उसी नगर में 56 थे, वो बढ़कर 70 हुए हैं। अब यही तरीके से उसको बता रहा था पिछले पेज उसमें साइड में कि इसमें डाटा न्याय बोर्ड के सपक्ष जो प्रस्तुत के बच्चे प्रकरण हैं वो 20-21 में 160 थे, जबकि 21-22 में 57 थे। ये डाटा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो सीआरपी शो नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अब ये ऐसी योजना है, इसमें बाल बच्चे के लिए यह योजना चलाई जा रही है। चाहे वो हमारे एक्ट में दो बच्चे जो है वो अपने मंडल का स्थान, मंडल का प्रदर्शन ठीक ठाक है, क्योंकि गोरखपुर 8 नंबर पे है, कुशीनगर 15 पर है, देवरिया 21 पे है और महाराजगंज 23 नंबर पे है। लेकिन इसमें इस योजना में अगले साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इसमें जो है 15,000 से पैसा बढ़ के 25,000 होने जा रहा है, तो ये तो इसके लिए जो है प्रोत्साहन वाली बात है। और उसमें लगता है कि प्रत्येक जनपद में और एक दूसरा बच्चा जो देखभाल और संरक्षण वाला बालक है या बालिका है उसके लिए कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के तीसरे धर्म अध्यक्ष के रूप में फादर डॉक्टर मैथ्यू नेली कुन्नेल सीएसटी का धर्माक्षी अभिषेक एवं पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन 5 नवंबर को सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार के प्रांगण में किया जाएगा। उक्त जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के PRO फादर संतोष सेबेस्टियन ने दी। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को धर्मश्री अभिषेक, पवित्र युखरिस्तीय पूजा, नवनियुक्त बिशप का पदभार ग्रहण समारोह एवं नव धर्म अध्यक्ष का अभिनंदन आदि का कार्य किया जाएगा। कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर यानी कैथोलिक डायस ऑफ गोरखपुर के तीसरे धर्माध्यक्ष के रूप में आदरणीय फादर डॉक्टर मैथ्यू नेल्लिकुन्नेल CST की नियुक्ति हुई है और उनका धर्माध्यक्षीय अभिषेक यानी एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन और पदभार ग्रहण 5 नवंबर 2023 को 9 बजे सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार के प्रांगण में संपन्न होगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। किस तरह का कार्यक्रम होगा सर, क्या? वह कार्यक्रम इस प्रकार है, 4 अंग होगा। उसमें सबसे पहले जो धार्मिक कार्यक्रम, उनमें धर्माध्यक्षीय अभिषेक और दूसरा पवित्र युक्रिस्ती पूजा नए धर्माध्यक्ष द्वारा, और तीसरा होगा अभिनंदन समारोह और पद भार ग्रहण। दिन भर बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात।
किया 140 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार सभी वर्गों का रख रहा विशेष ख्याल। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। और गोरखपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में 5 नवंबर को फादर डॉक्टर मैथ्यू नेली कुन्नेल CST का धर्माक्षय अभिषेक व पदभार ग्रहण समारोह का होगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।